मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। आतिशी ने 21 सितंबर की शाम दिल्ली की 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। राजभवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शपथ ग्रहण के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। 43 साल की आतिशी दिल्ली की सबसे युवा सीएम है। उनसे पहले केजरीवाल 45 साल के एज में मुख्यमंत्री बने थे। आतिशी बतौर महिला सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। आतिशी के शपथ ग्रहण समारोह में उनके माता पिता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विपक्ष के नेता विजेंदर गुप्ता, भाजपा सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट में मुकेश अहलावत एकमात्र नया चेहरा है आतिशी किया था। हालांकि आतिशी मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की पसंद है। विधायक दल की बैठक में तो केवल रस्म अदायगी हुई थी। विधायक दल की बैठक में किसी से कोई राय शुमारी नहीं की गई थी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने तक आतिशी मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के दफ्तर जाने या फाइलों पर दस्तखत कराने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में दिल्ली की तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री के दस्तखत के बिना अधर में लटक जाती। बहरहाल मार्च 2025 में दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा, तब तक दिल्ली की कमान आतिशी के हाथों में है। 8 जून 1921 को दिल्ली में जन्मी आतिशी राजपूत पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता विजय सिंह राजपूत हैं, जबकि माँ तृप्तावाही पंजाबी हैं। विजय और तृप्ता दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के स्प्रिंग डेल्स स्कूल में हुई है। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से साल 2001 में हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। मास्टर्स के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 2003 में हिस्ट्री सब्जेक्ट से मास्टर्स पूरी की। आतिशी अन्ना आंदोलन से भी जुड़ी रही हैं। साल 2013 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और दिल्ली चुनाव में पार्टी का घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी में शामिल हुई। 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा में जल सत्याग्रह में हिस्सा लिया। साल 2015 तक दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की एडवाइजर रही। साल 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो आतिशी ने कालका जी से चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बनी। इस दौरान आतिशी ने गोवा चुनाव में भी जिम्मेदारी संभाली। दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो आतिशी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। पूरा नाम आतिशी सिंह था, बाद में उनके नाम के साथ मार्लेना जोड़ दिया गया। दरअसल आतिशी के पेरेंट्स मार्क्स और लेनिन की विचारधारा से खासा प्रभावित थे, इसलिए दोनों के नाम के इनिशियल्स लेकर मार्लेना शब्द आतिशी के नाम के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन 2018 में आतिशी ने मार्लेना सरनेम छोड़ दिया। अब वो केवल आतिशी लिखती हैं। बतौर मंत्री आतिशी की छवि साफ सुथरी रही है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में रहते हुए आतिशी ने पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने उन पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें सौंपी है। हालांकि कभी केजरीवाल आतिशी से काफी नाराज थे। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जब आम आदमी पार्टी से अलग हुए तब आतिशी भी उनके खेमे में थी। लेकिन जल्द ही आतिशी को समझ आ गया कि ये लोग तो अपना करियर कुछ और करके बना लेंगे, लेकिन वह क्या करेंगे। इसके बाद आतिशी ने पाला बदला और केजरीवाल से माफी मांगी। वे कई महीने तक सचिवालय जाती रहीं, लेकिन केजरीवाल उन्हें बिना मिले ही लौटा देते थे। उस वक्त आतिशी और केजरीवाल के बीच मनीष सिसोदिया ने पुल का काम किया था। केजरीवाल ने आतिशी को माफ कर दिया। मनीष सिसोदिया जेल गए तो उन्होंने अपना काम संभालने के लिए आतिशी का नाम आगे रखा। ये थी आतिशी की कहानी। आतिशी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।